हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वैसे बंदे जो फ्रेशर हैं और मेंटेनेंस के फील्ड में PPM कर रहे हैं, तो अगर फॉल्स सीलिंग लगा है और वहाँ पे पैनल लाइट्स जो लगा होता है उसे कैसे चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंज कर रहा है। ये लाइट्स जो है एक्चुअली में ब्लिंक कर रहा है, ये लाइट्स ख़राब हो गया और इसको चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं, ये नया लाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका स्पेसिफिकेशन भी पीछे में लिखा होता है। तरह आप देख रहे हैं कि पीछे में डे लाइट लिखा हुआ है 6500 केल्विन का, यानी कि ये वाइट लाइट है। और इस तरह से इसका सबसे पहले ब्लास्ट हम लोग चेंज करते हैं। ब्लास्ट हम लोग नया जो है कनेक्ट कर देते हैं टेस्टर की मदद से, और उसके बाद फिर लाइट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। लाइट जो है हमारा सक्सेसफुली जो है जल जाता है नया लाइट, और उसको हम लोग फिर जो है क्लिप को लगाकर ऊपर फॉल्स सीलिंग में इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था। तो एक बात का जरूर ख्याल रखें कि सेफ्टी का पूरा ध्यान दें, क्योंकि आप लैडर के ऊपर काम कर रहे हो और करंट भी आपको लग सकता है, तो इसलिए बहुत ही सेफ्टी के साथ काम